मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑनलाइन समीर को। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली आपको यहाँ पर बताने वाले हैं आज राशन कार्ड जिनका जिनका बना हुआ है, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कर लिया है, आप लोग को स्टेटस चेक करने नहीं आ रहा था। दोस्तों मैं आपको फाइनली यहाँ पर बात बता रहा हूँ कि स्टेटस कैसे चेक करेंगे, यानी कि जो भी जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट जितने भी अपने ऑनलाइन आवेदन किए हैं राशन कार्ड के लिए, उनका स्टेटस कैसे चेक करना है कि मेरा राशन कार्ड बना है या नहीं बना है। अगर नहीं भी बना, रिजेक्ट हुआ है, तो कैसे उसको पुनः करें, क्या करें, सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं और इस साइट पर आ जाएंगे onlinesubmit.com। सबमिट में यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन सबमिट, सबमिट में डबल टी रहेगा, ये आपको ध्यान देनी है, किसी दूसरे वेबसाइट पर नहीं जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद इस वेबसाइट पर आपको हर एक तरह की न्यू अपडेट मिलती रहती है, जैसे कि यहाँ पर रिजल्ट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, लेटेस्ट जॉब हो गया। तो मैं बताने वाला हूँ कि बिहार में राशन कार्ड के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो दोस्तों वहां पर क्या है, जैसे कि मैं नीचे रहता हूँ, देख सकते हैं बिहार ऑल साइट्स में बिहार राशन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 2022, इसको सिंपल सा क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, बिहार में जितने भी फॉर्म जो भी बन रहा है अभी। तो मैं क्या कहूँ, इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद इसी साइट पर मैंने डाला हुआ है कि कैसे आपको स्टेटस चेक करनी है, जैसे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इस पर मैंने क्लिक किया, बिहार राशन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर फॉर्म 2022, नीचे देखे पोस्ट का नाम, सारा चीज यहाँ पर अवेलेबल दिया गया है। अगर आप न्यू राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो सबसे नीचे में मैं लिंक देता हूँ, यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट यूजफुल लिंक, यहाँ पर देख सकते हैं राशन कार्ड चेक कर रहे हैं, यहाँ से चेक स्टेटस कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करके फॉर्म को भर भी सकते हैं, लेकिन स्टेटस चेक करने का किसी को भी बस की बात नहीं था कि मैं स्टेटस कैसे चेक करूंगा, मेरा रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, मेरा बना या नहीं बना। तब उन लोगों के लिए दोस्तों मेरे को ये सर्च करके ये लाना पड़ा कि कैसे आप स्टेटस चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर राशन कार्ड चेक कर रहे हैं, क्लिक यहाँ पर आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन है, इस पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। जिला का नाम अपना जो भी है जिला का नाम डाल देंगे, अनुमंडल जो भी है अनुमंडल का नाम डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आरटीपीएस संख्या, यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन किए हैं वहां पर एक आरटीपीएस संख्या होगी। जो भी ऑनलाइन आवेदन होता है, फाइनल सबमिट होता है, मोबाइल पर भी आपके मैसेज आता है आरटीपीएस संख्या, उस संख्या को डालकर डायरेक्टली शो पर क्लिक कर देंगे। आपका बना है या नहीं बना है यहाँ पर नीचे शो करेगा सारा चीज। अगर आपका रिजेक्ट हुआ तो फिर से अप्लाई करें, करेक्शन करें। अगर दोस्तों आपका बन गया है, अनुमंडल अधिकारी स्तर से ये पूरी तरीके से राशन कार्ड बनाया जाता है, अगर वो बन चुका है तो आपको कहीं भी कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्टली आप चेक करके आप अपना इसको साइट को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा मकसद बताने का तरीका, आप यहाँ पर इस वेबसाइट से आके यहाँ पर चेक स्टेटस पे क्लिक करके आप अपना आवेदन क्या करेंगे पूरी तरीके से चेक स्टेटस कर सकते हैं कि रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ, मेरा राशन कार्ड बना या नहीं बना। इस साइट पर आने के लिए डायरेक्टली वेबसाइट के लिंक से, हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों अपने सारे फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।